गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 10 सितंबर दिन मंगलवार, आजादपुर मंडी दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है, बिक्री किस तरह का रहेगी और पीछे प्रोडक्शन मंडियों का क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ रेट खुल रहा है, क्या कुछ अराइवल आ रहा है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। इस समय क्वालिटी क्या कुछ पहुँच रहा है जी, गाड़ियों को देखते हुए और मार्केट का माहौल देखते हुए लग रहा है कि जो मार्केट में सुस्ती है सेल को लेकर के, बाकी देखते हैं आज किस तरह का देखने को मिला और कितना गाड़ी बिकने का चांस है, कितना ताज़ा आ रहा है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी में, सर के पास जो लोड पलटे हुए जी वो इस तरह का क्वालिटी वाला है जी, देखो जी हाँ जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो सर? सब तैयार सर जी। सबसे पहले तो आज का मार्केट का अराइवल बता दीजिए, आज मंडी में टोटल गाड़ी कितना लगा है जी? 38 गाड़ी ताजी है। ठीक है जी, 22 गाड़ी कल की खड़ी। अच्छा, यानी खड़ी गाड़ी हो गई 60 जी, 30 गाड़ी के आसपास नीचे बैलेंस है। ठीक है जी, तो ऊपर नीचे मिला के करीब 85-90 गाड़ी के आसपास है। ओके जी, जिसमें 22 गाड़ी MP है, 30 गाड़ी राजस्थान है, 10 गाड़ी पूना है, 5 गाड़ी नासिक है। अच्छा जी, करे भाव का बात तो सर जी, भाव आज क्या रहा जी? भाव कल से 1 रुपए ऊपर है। अच्छा, कल से भी टाइट है, 1 रुपए टाइट है। अच्छा, तो मतलब जो आपने पिछले सप्ताह बोला था जी, मतलब 2-2.5 रुपए तेज होगा तो वो दिख रहा है बाजार? हाँ, 1 रुपए आज है, कल 1 रुपए और रहेगा। अच्छा, कल 1 रुपए और उठने का चांस है। ये जो बाजार उठ रहा है सर, किस वजह क्या है सर इसके पीछे? कल इसलिए नहीं उठा था चूंकि MP में आमदनी ज्यादा थी जी, 1 लाख कट्टे के आसपास इंदौर था और 1000 ट्राली के आसपास करीब रतलाम में था, 40,000 कट्टा शाजापुर में था, आज सारी आमदनी आधी हो गई। अच्छा हाँ, इसलिए आज पीछे चाहे वो नासिक बेल्ट हो और चाहे वो MP बेल्ट हो, हर जगह 2 रुपए टाइट है। हर जगह 2 रुपए, हाँ, पीछे भी टाइट है और यहाँ पे भी टाइट है। हाँ, यहाँ 1 रुपए टाइट है, 1 रुपए कल हो जाएगा। अच्छा जी, तो सर जी आज क्या कुछ अराइवल प्रोडक्शन मंडियों में रहा सर? आज इंदौर 55,000 कट्टे के आसपास जैसा लोग बता रहे हैं, 450 ट्राली के आसपास रतलाम है, 10-12,000 कट्टे के आसपास शाजापुर में है, नासिक में जो भी आमदनी है हर जगह नॉर्मल आमदनी है, कहीं ज्यादा आमदनी नहीं है। अच्छा, तो सर जी बात करें आजादपुर मंडी के भाव का बात, तो आजादपुर में सर जी राजस्थान का प्याज क्या रेट बिका जी, जो माइक्रो कलर है, पिंक कलर है? राजस्थान 1500 से 1700 रुपए बिका है। अच्छा, इसमें लाल और पीला दोनों ही टोटल आ गया। पर केजी क्या रेट होगा सर? 37.5 रुपए से लेके और आप समझ लो 45.5 रुपए। अच्छा जी, और आपका जो है MP वाला प्याज? MP बिका है 35 रुपए से लेके 42 रुपए तक, 35 से 42 रुपए। हाँ, यानी 1400 रुपए से लेके 1680 रुपए तक। ठीक है जी, और आपका नासिक? नासिक बिका है 40-42-43 रुपए और पूना बिका है 40 से 45 रुपए। अच्छा जी, 46 रुपए तक बिका है। 46 रुपए तक। अच्छा, ज्यादा माल सर जी किस रेंज में बिका सर? ज्यादा माल अगर एवरेज निकाला जाए तो 1650 से 1750। 1600 से 1750। ठीक है जी, 1650 से लेकर 1700 रुपए, 1600 रुपए से लेके 1750 रुपए ज्यादा माल, यानी 40 रुपए से लेके 45.5 रुपए तक, 44 रुपए तक। इसमें जो है कुल एरिया का माल आ जाएगा सारा सारा। अच्छा, तो सर जी आज यहाँ पे ग्राहक कैसा देखने को मिला जी? ग्राहक कुल मिला के ठीक है। अच्छा, इन रेटों में अगर 35-40 गाड़ी 40-45 गाड़ी माल बिकता है तो ग्राहक की सही है। ठीक है जी, तो सर अभी बाहर से भी खरीदार आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, अभी तो खैर दिल्ली NCR ही कह सकते हो, थोड़ा बहुत UP जा रहा है। अच्छा, और सर आज जो की अगर बात करेंगे नए प्याज का, तो सबसे पहले राजस्थान का करूंगा सर, इस समय राजस्थान का क्या कुछ कंडीशन है, क्योंकि वहाँ से अपडेट कई सारा आ रहे जी, जो बारिश हुआ है, बारिश से अभी खेत पूरे भरे हुए हैं, मतलब पानी मतलब पूरा खेतों में लगा हुआ है। ये आपने अलवर की बात किया? हाँ जी, अलवर। जी जी, अलवर जहाँ प्याज लगता है क्षेत्रफल बड़ा है, कहीं कहीं पानी है। अच्छा, कहीं कहीं नहीं। अच्छा, और जो सर बता रहे हैं कि जो आपका अगस्त में लगा था 15 अगस्त के आसपास प्याज, उन प्याजों में जलेबी रोग का शिकायत आ रहा है? नहीं, ऐसी खैर अभी हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, बहरहाल आज मैंने बात भी नहीं किया है, कल भी मेरी बात नहीं हुई थी जी, आज मैं बात करता हूँ तो कल मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, लेकिन जितना सब कह रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं है।
अच्छा, किसी किसी गांव में पानी भरा हुआ है खेतों में, ये सही है, लेकिन जो गांव पहाड़ों के आसपास हैं वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा जी, बाकी एक बार क्लियर बात करके थोड़ा सा कल बताइएगा, कल मैं बताऊंगा क्या कुछ अपडेट है। हाँ ना जी, और जिन खेतों में पानी भर चुका है तो वो कितना एरिया होगा, कितना मतलब? देखो, जिन खेतों में पानी भर गया है, रकबा कुछ भी हो तो नुकसान ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा जी, और सर जी इस समय अगर बात करें साउथ का, तो साउथ से क्या कुछ अपडेट आ रहा है? नया दिल्ली आने में अभी कितना टाइम लगेगा? नए की आमदनी 30-40 गाड़ी पीछे आ रही है, और 10 दिन बाद 15 दिन बाद नए का प्रेशर थोड़ा सा बनेगा। अच्छा जी, तो यूपी बिहार बंगाल उस साइड में ज्यादा माल जाएगा, इस साइड में माल कम आएगा। अच्छा, क्योंकि साइज वाले माल कम है। अच्छा जी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पूर्ति तो करेगा बिहार बंगाल, कहीं भी जाएगा तो जाएगा तो ही, और बिकेगा भी जी। तो सर जी, ये जो साइज का इशू इस समय आया हुआ है, क्या टाइम के अनुसार वो साइज कवर करेगा कि नहीं करेगा सर? नहीं, थोड़ा 19-20 तो कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि अब निकलने का टाइम हो रहा है। अच्छा, हार्वेस्टिंग का टाइम है। हाँ, अब तो निकलने का टाइम हो रहा है। अच्छा जी, तो उधर से भी जिस हिसाब से बारिश रहा, सारा कुछ रहा सर जी, तो उधर भी क्या कोई रोग का? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, और ना अब ज्यादा बारिश भी है, जो बारिश होनी थी वो बारिश हो गई है उधर। ठीक है, अब उतनी बारिश नहीं है बहरहाल, 2-4-5 दिनों से। अच्छा, और सर जी अभी का माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है कि जो अगला सप्ताह किस तरह का रहने वाला है? ये सप्ताह तो 2-3 रुपए मार्केट उठेगी ही, अगला हफ्ता डिपेंड करेगा एमपी के ऊपर। अच्छा, अगर एमपी आमदनी नहीं बढ़ती है तब तो 2-3 रुपए अगला हफ्ता उठेगा। अच्छा जी, अगर एमपी आमदनी फिर बढ़ती है जी, तो मार्केट फिर यहीं रुकेगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है कि अभी इंदौर में लाख कट्टा होगा, रतलाम में 1,100 ट्राली आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो 2-3 रुपए मार्केट उठेगी। अच्छा जी, तो सर जी अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल इन दिनों में चाहे आप एमपी का बात कर लें या फिर महाराष्ट्र का, तो क्या प्रोडक्शन मंडियों में अराइवल रहता था सर? पिछले साल अब की साल के मुकाबले डबल आमदनी होती थी। अच्छा, हाँ, पीछे मंडियों में इस साल के मुकाबले पिछले साल डबल आमदनी, मतलब लाख कट्टा के आसपास रहता था। हाँ, 80,000, 90,000, 70,000, लाख, सवा लाख इंदौर आता था पिछले साल। अच्छा जी, तो सर जी इस बार जो ये जो क्लाइमेट चल रहा है बारिश वाला, तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है? जो प्याज तो 100% लगेगा जी, लेकिन क्या 100% माल भी हो पाएगा सर सभी एरिया से? अब अभी तो सिर्फ अलवर की रिपोर्ट है, अब अलवर ही फसल लगा है, हमें लगता है कि अलवर 50-60% प्याज निकलेगा। अच्छा, 50-60 50-60% प्याज निकलेगा, क्यों? बारिश तो हुई है, बढ़िया बारिश हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन साइज बनने में दिक्कत होगी। अच्छा, साइज बनने में इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि फसल लेट लगी, और जब फसल लेट लगी 15 दिन बाद 20 दिन बाद ओस पलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो फालर तो लंबी हो जाएगी, लेकिन नीचे साइज नहीं बन पाएगी। अच्छा, जैसा कि मेरा मानना है। अच्छा, और जो गुजरात वाला जो प्याज लगता था सर, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत कहीं लगा भी है तो, या फिर अभी इन टोटली लेट है जी? देखो, जो राजकोट वाला बेल्ट है, उस साइड में बेल्ट है, वहाँ तो प्याज लग चुका है। अच्छा, लेकिन पीछे बारिश हुई है तो कुछ ना कुछ वहाँ नुकसान भी हुआ है, हमें लगता है 50% नुकसान हुआ होगा। अच्छा, लेकिन जो मेन गढ़ है प्याज का, भावनगर जिला है जी, वहाँ अभी प्याज नहीं लगी है, लेकिन हो सकता है अगले हफ्ते से लगना चालू हो जाए, जो 15 दिसंबर के बाद निकलेगा जी। मतलब जो भी एरिया प्याज का था जहाँ पे लगा है, कुछ ना कुछ डैमेज है और कुछ ना कुछ लेट है किसी हाँ, किसी एरिया में। हाँ, लेकिन भावनगर से पहले नया नासिक आ जाएगा। अच्छा जी, नासिक जाएगा जी? हाँ, नया नासिक थोड़ा बहुत भावनगर से पहले आ जाएगा। अच्छा, 1600। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 93-11-18-99-74। धन्यवाद सर।